19 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमिता शर्मा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कलेक्ट्रेट चौराहे पर उनके समर्थकों ने बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया। आखिर वहां पर कौन कौन मौजूद रहे, आइए जानते हैं अपनी इस खास खबर में। दौसा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे का शनिवार को धौलपुर से जयपुर जाते समय जिले में कई जगह स्वागत सत्कार किया गया। इस मौके पर दौसा के कलेक्ट्रेट चौराहे पर भी पूर्व विधायक शंकर शर्मा व पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा सिंघा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य का माला पहनाकर व चुनरी उड़ाकर स्वागत किया। साथ ही समाज सेवी मनीषा उपाध्यक्ष ने भगवान परशुराम की तस्वीर व फरसा वेड किया। शकुंतला मीणा ने वसुंधरा का पीली लुगड़ी उड़ाकर सम्मान किया व समर्थकों ने राज्य के समर्थन में वसुंधरा राजे जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान वसुंधरा समर्थकों ने राजे के स्वागत को लेकर सुबह से ही भारी उत्साह दिखाई दिया। जगह जगह स्वागत द्वार व तोरण द्वार समर्थकों की ओर से लगाए गए। शाम को जैसे ही वसुंधरा कलेक्ट्रेट चौराहे पर पहुंची तो समर्थकों का जोश चरम पर दिखाई दिया। अपने नेता का स्वागत करने के लिए समर्थक काफी उत्साहित नजर आए। इस दौरान पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। इस अवसर पर पूर्व भाजपा जिला प्रवक्ता दीपक जोशी, डॉक्टर मनीषा पहाड़िया, रितेश पारिक, महेंद्र चांदा, लक्ष्मी दीक्षित सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऐसी तमाम बड़ी छोटी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।